कहाँ गया? ओ इधर आ जाओ साहब, घर के मालिक लो। बेटी कहाँ गई? अरे बेटी कहाँ? बेटी बेटी अरे इधर आ, बैठ कथा सुन लो। और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद स्तोत्र सत्श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रवण करेंगे ये जो ग्रंथ है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशा। यदि ये उपदेशा मृतम कहते प्रभुपाद कौन है, बोले ये राधा रानी के नयनमणि मंजरी। नयनमणि मंजरी मतलब क्या? नयन मतलब तो आंखें हैं, मणि मतलब होता है उसका अंदर जो पुतला है ना, वो पुतला है।
राधा रानी की पुतला है, इसलिए ये पुतला से राधा रानी करती है किया, बोले कृष्ण को दर्शन करती है। कृष्ण को हम आंखों से तो कृष्ण दर्शन करते हैं, ऐसे राधा रानी जहाँ नृत्य, इसलिए उनका एक नाम है कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब क्या है, बोले जहाँ उनकी आंख बढ़ती है कृष्ण के सिवाय और दुनिया में उनको और कुछ दिखती नहीं है। जहाँ नेत्र बढ़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, सर्वत्र वो कृष्ण ही दर्शन करती है उन्हीं पुतला से। इसलिए जब जब वो कृष्ण को दर्शन करती है, जैसे अभी कृष्ण राधा जी के साथ में अभी मिले, मिलकर कृष्ण अभी कुंज से निकले, निकलते ही राधा रानी ललिता से पूछती है, बोले ये कौन है? बोले कौन है, अभी तो तेरे साथ में मिलकर गए। बोले नहीं, कभी जिंदगी में इनको देखा ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं, क्योंकि जब जब कृष्ण को राधा रानी दर्शन करती है ना, तब तक राधा रानी कृष्ण एकदम उनको नहीं 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 मिला। इसलिए ये जो लक्षण है, कहती ये अनुराग का लक्षण। किसका लक्षण? ये अनुराग का ये लक्षण है, जब जब देखो तब तक उनको भी पुराना ही नहीं लगे। हैं, हम लोगों को देख लो, साधारण जीव ठाकुर को जब जब ठाकुर को दर्शन करते हैं, कभी लगता है पुराना है? लगता है कभी पुराना? लगता है ठाकुर जी को जब जब नया श्रृंगार करके सजाते हैं, लगता है जीवन में पहला बार ठाकुर को दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी जगत में ऐसे नहीं, ये जगत उल्टा है। इस जगत में हर चीज देखना, सब धीरे 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 धीरे, सब सुंदरता धीरे धीरे नीचे आती है, धीरे धीरे पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी होकर के अड़कती है संसार है। इसलिए संसार का जो आनंद, धीरे धीरे हर चीज देखना, संसार का कोई भी चीज देखोगे वो कभी बढ़ते हुए कभी नहीं देखोगे। नया घर में आया, कितने सुंदर नया घर, कोई कुछ दिन बाद में पुरानी हो जाती है, पुरानी हो जाती। बढ़िया से बढ़िया सिनेमा देखो दो चार दिन, इसको बाद में फिर धीरे 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 वो नीचे फिर उतरना शुरू हो जाती है हर चीज जगत में। लेकिन राधा रानी क्या करती है, इन्हीं आंखों से हर समय कृष्ण को जब जब दर्शन करती है, नई 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 कृष्ण नई नई दिखती है। इसलिए कहते राधा रानी की नयन मणि मंजरी प्रभुपाद, और उनको क्या करती है, कहते अपना दृष्टि से राधा जी की जो भावना है केवल कृष्ण सेवा है। इसलिए इनका नाम राधा, राधा मतलब क्या है, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक आराधना करती है, ये श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी की कृपा दृष्टि ही कहते ना, कृपा दृष्टि करो प्रभु जगत प्रभु। कहते राधा रानी क्या कहती है, अपना कृपा दृष्टि से सारा दुनिया को देखती है। इसलिए कहते उनका कृपा दृष्टि ही ये प्रभुपाद है, और जगत में आए क्यों आए, राधा रानी उनको जगत में भेजा, जाओ जा करके जीवों को मेरे पास में तुम ले आओ, हैं, जीवों को मेरे पास में तुम ले करके आओ। इसलिए अगर हम प्रभुपाद उपदेशामृत को सुनेंगे तो क्या होगा, एक दिन हम प्रभुपाद के पास में जा सकते। इसलिए प्रभुपाद को भक्तों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया है, उन्होंने जो उत्तर दिया ये ग्रंथ है। अगर इसको हम अपना जीवन में उतारेंगे ना, एक दिन जरूर हम अपना भगवान के पास में जरूर हम जा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रभुपाद जो उत्तर दिया है ना, बहुत अच्छी अच्छी उत्तर दिया है। एक दो प्रश्न उत्तर हम सुन लेते हैं, ठीक है। इसने प्रभुपाद को हम कंटिन्यू इसको धीरे 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 क्रम से धीरे धीरे हम सुनते सुनते आ रहे हैं। आज हम ये सुनेंगे हैं कि विचार कर ले मंगल है वे। देखो कितने बढ़िया प्रश्न है। ए माता जी इधर उधर चुपचाप बैठे, इधर सामने बैठो, कोई काम नहीं करना, पांच मिनट के लिए इधर बैठ जाओ। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है, कहते क्या विचार करने से हमारा मंगल होगा। आप लोग कभी कभी देखना इसी विषय में कभी कभी इतने फंस जाते हैं हम लोग, कितने क्या करनी चाहिए, हमें क्या हमें नहीं करनी चाहिए, जीवन में यही तो सोचते हैं ना। इसी विषय पर कभी कभी बच्चे तो पागल भी हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है हमें किधर जाना और किधर नहीं जाना। बच्चे क्या बूढ़े क्या, सब दुनिया ही एक चीज में फंस जाते हैं, हमको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। अगर यही चीज जीवन में हमारे के स्थिर हो जाए ना, एक जीवन में एक चीज स्थिर हो जाए तो समझ रहा हमारे जीवन धन्य हो गया। हमको पता कभी कभी नहीं चलता हम क्या करनी चाहिए क्या
नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद क्या बोलते उसको सुन लो। हैं प्रभुपाद कहते हैं कि विश्व के भगवत सेवक देखले आर कौन दुख थाके ना। कहते दुनिया को क्या देखनी चाहिए, कहते ये विश्व को भगवत सेवक मतलब भगवान ही कृष्ण एक ही भोक्ता है और जगत में सब उसकी भोग्य है। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब धृत्य, जगत का मालिक कौन है, अकेला ईश्वर कृष्ण ही जगत का मालिक है और जगत में सबके सब उनकी सेवक है। तो जिसको जैसे नचाता है वो वैसे ही नाचता है। इसलिए अकेले भगवान ही दुनिया क्या देखनी चाहिए हमें, दुनिया को ये देखनी चाहिए दुनिया सबके सब भगवान की सेवा के लिए, कोई चीज भी अपना सेवा के लिए नहीं है। बनाया ठाकुर जी इसलिए चैतन्य चरिता में तय बताया, उसमें प्यार आता है, वो प्यार में बताए जगत सबके सब भगवान की सेवा के लिए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं भगवान की सेवा के वस्तु को लूटपाट कर सबके सब भोग कर रहे हैं, लूटपाट करके सबके सब दुनिया भोग कर रहे हैं, हैं? इसलिए कहती जो शब्द है हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज नाम सुने होंगे, जो इमिल कला है ना, जिन्होंने इमिल कला को लिखा है, कहते भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज प्रभुपाद इनको भेजा, अभी परिक्रमा जाएगी ब्रजमंडल परिक्रमा में 5 लोग आएंगे परिक्रमा करने के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छे भिक्षा करते थे, अच्छे भिक्षा करते थे, इनको भेज दिया, बोले जाओ तुम 5 लोग परिक्रमा के लिए जाएंगे इसके लिए व्यवस्था करो, लेकिन कोई पैसा वैसा नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, तो 5 लोग आएंगे 1 महीना रुपए की कोई पैसा नहीं दिया तुम व्यवस्था करो, लेकिन प्रभुपाद उनको पर बहुत विश्वास था ये जरूर कर लेगा। वो गए, जब गए उनने सोचा कैसे क्या करें, प्रभुपाद का आदेश है 5 लोग आएंगे, जो मथुरा में जो होली गेट है ना, कभी गए मथुरा में होली गेट, वहां पर उन्होंने गए, वो तो बहुत पहले रेलवे में नौकरी अच्छी नौकरी करते थे, उन्होंने क्या किया एकदम सूट बूट कोट टाई लगा करके, हैं उस समय में टाई लगा करके बढ़िया से पगड़ी बांध करके, आप देखना उनको कभी छवि बड़े लंबे चौड़े दिन लग करके, जैसे इनकम टैक्स का ऑफिसर होता है ना, हाथ में एक रजिस्टर ले लिया, पहले तो लोग इतने लिखे बड़े ज्यादा नहीं होते थे, रजिस्टर लेकर के वहां पर बड़े बड़े दुकान था, हैं दाल चावल घी का दुकान था, और दुकान में जा करके पहले तो सब लोग ठगते थे, टैक्स फैक्स नहीं देते थे, इनकम टैक्स का ऑफिसर का रूप धारण करके हुए पहुंच करके बोले इनकम टैक्स का दिखाओ कितने टैक्स भर रहे, कहीं निकालो काफी सबको तो गड़बड़ी इतना नहीं कुछ करते पहले, हैं बोले तुमने इतने साल से नहीं भरा तुमको इतने फाइन देना, इतना लाख देना रुपया देना पड़ेगा, जब इतना बोले ना वो तो सब जानते थे पहले ऑफिसर थे तो डर गए, अब पूरा दुकान दुकान में प्रचार हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर उन्होंने पकड़ा दुकान और इतना लाख रुपया उसको ऊपर जुर्माना किया है, सारे दुकानदार कांप उठे, किसके पास में कुछ नहीं, इकट्ठे हो गए, जब इकट्ठे हो गए इनको माफी मांगने लग गए, हम हमको माफ कर दो, हम घर नहीं पाए, आप जो कुछ बोलेंगे सो कुछ करेंगे, जब सबके सब सारे दुकान इकट्ठे हो गए ना, फिर वो अपना स्वरूप में आ गए, फिर उन्होंने बताया बोले देखो कृष्ण विषय वस्तु सबके से कृष्ण का विषय का वस्तु है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं इसको लूटपाट करके सबके सब खा रहे हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा की वस्तु है। फिर उन्होंने ये शब्द को उच्चारण करते हुए बोले मैं कोई इनकम टैक्स का कोई अफिसर वफिसर नहीं, मेरे को मेरे गुरुदेव ने भेजा, 5 लोग आ रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए, उनकी रहने खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था के लिए भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। और मथुरा के लोग तो वैसे कृष्ण भक्त है, ये दान स्वभाव है, जब देखा ये साधु बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो, आपको 1 महीना की किसने बोले घी का टीन दूंगा, किसने बोले 1 बोरी हम दाल दे देंगे, किसने बोले 1 बोरी चावल दे देंगे, किसने बोले 1 बोरी हम आटा दे देंगे, उन्होंने 1 घंटा के अंदर में 5 लोगों का खाने पीने का व्यवस्था 1 घंटा अंदर में कर दिया, और फिर खड़े होकर के फिर बड़े सुंदर उन्होंने हरी कथा सुनाए, बस सब कुछ व्यवस्था कर दी। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं दुनिया का मालिक एक बात कृष्ण है, वही केवल वो करता है, अगर हम अपना दृष्टि से एक दृष्टि देखे जगत का भोक्ता केवल भगवान कृष्ण, हम उनकी भोग्या है, वही केवल भोग करने वाले, कहते जो सेवक देखना
दुख था के ना, कहते उस समय फिर कोई दुख नहीं रहता है। कहते जो स्वतंत्रता का परित्याग पूर्वक शरणागति है, निष्कपट भजन कर ले, एक जन्म ही भगवत प्राप्ति हवे। हम लोग कहते ना, कब हमें भगवान मिले, कब हमें भगवान मिले, भगवत प्राप्ति कैसे होगा। प्रभुपाद कहते ही कहते अपना स्वतंत्रता को परित्याग कर, अपना जो स्वतंत्र, हम ये चाहते हैं, यदि ये सारे स्वतंत्रता को परित्याग करते हुए क्या करना चाहिए, निष्कपट में भगवान की भजन करना पड़ेगा। इसलिए निष्कपट होकर के जैसे बाहर हम भीतर बैठ सकते, भीतर जैसे हम बाहर भी बैठ सकते, अंदर में एक सोच रहे हम बाहर दूसरे चीज दिखा रहे, ऐसे करने से भगवान की कृपा नहीं होता है। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर बताए, सरलता अपरता नाम वैष्णव। वैष्णव किसको कहते हैं, जो जितने सरल है, जो जितने सरल है, कहते वैष्णव अपर का नाम सरलता, सरलता का अपर का नाम वैष्णव। जो जितना सरल है वो उतना ही बड़ा वैष्णव है। इसलिए बंसुरी में दो गुण, इसलिए कृष्ण हर समय बंसुरी को रखते हैं। बोले क्यों, क्या गुण है, अगर हमारे अंदर में वो दो गुण आ जाएगा ना, फिर तो हमें भी भगवान पास में रखेंगे। बंसुरी में जो अंदर का जो है कोला, उसके अंदर में कुछ भी नहीं, खाली है। कहते इसलिए हृदय क्या करो, हृदय को खाली रखो, हृदय को खाली। और दूसरे क्या गुण है, कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे ही बजते हैं, वो अपना कोई स्वतंत्रता नहीं, वो भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही बजता है। इसलिए हमें भी ये दो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अंतर बाहर सम व्यवहार हमानी मान रहो, बाहर जैसे हो अंदर में भी वैसा हमें होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, सारे स्वतंत्रता को परित्याग करके निष्कपट में अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते हैं, बस कहते एक जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा, है एक जीवन में भगवत प्राप्ति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, छील छाल कपट छिद्र मोहिना भावा, छाल कपट छिद्र मेरे को पसंद, मोहे कपट छिद्र छाल नाम, मेरे को कपट छाल छिद्र मेरे को पसंद नहीं। इसलिए भगवान के जीनी देखिए दीते पारे, जिनी 24 घंटा मध्य 24 घंटा ही भगवान रे सेवा करें, तार का चाहिए भगवान रे सेवा कथा सुनता हुए ताहिले मंगल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को हमें दिखा सकता है, और जो व्यक्ति क्या करता है 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की तो भजन करता है, 24 घंटा में 24 घंटा केवल भगवान की भजन जो करता है, जिनकी सारे चेष्टा है गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर की सेवा, इनको छोड़ करके जिनका और कोई भी चेष्टा नहीं होनी चाहिए, केवल एक चेष्टा है कैसे हम ठाकुर को प्रसन्न करें, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करें। इसलिए जब हम ऐसे भक्तों से हम भगवान की हम कथा श्रवण करते हैं, क्या होगा, तो जरूर हमारे कल्याण, जरूर हमारे मंगल होगा। भगवत भक्त साधुगण भक्ति चक्के श्याम सुंदर कृष्ण के हृदय दर्शन करें, ए रूप साधु संग कृपा है ले हमारा हृदय भगवान देखते पावो। यहाँ पर कह रहे हैं कहते भगवत भक्त लोग क्या करते हैं, कहते ना प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन न संत सदैव हृदय सो विलोक, जब श्याम सुंदरं मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदं मादि पुरुषम तमाम। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, कहते प्रेम रूपी अंजन आंख में लगा करके हर समय लोग भगवान को दर्शन करते रहते हैं, हर समय भगवान को ये दर्शन करते रहते हैं। कहते ऐसे जो भगवत भक्त है, जब ऐसे भगवत भक्तों का हम संग को प्रार्थना करते संग करते हैं, उसको तरह क्या होता है, फिर क्या होगा, वैष्णव का आशीर्वाद होने पर, गुरु जी के आशीर्वाद होने पर हम भी एक दिन भगवत दर्शन भी हो सकती है। इसलिए हमारा आर एक टुक समय नष्ट ना करे, सतत भगवान ने सेवार्जन व्यस्त हो। यहाँ पर कह रहे हैं इस व्यक्ति को बोलो ना भजन करने के लिए, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी बहुत सारे हमारे काम है,
जितना मेरे बहुत सारे काम है, हैं, बच्चों को देखना, बड़ा करना, नौकरी चाकरी करना, मेरा बहुत 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 सारी ड्यूटी है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, लेकिन हम लोग एक टुक समय नष्ट ना करें, तो और समय को हमको नष्ट नहीं करके क्या करनी चाहिए, सतत भगवान ने सेवा अर्जुन व्यस्त हुआ दरकार। इसलिए सतत मतलब हमारे संपूर्ण एनर्जी, संपूर्ण चेष्टा देकर हम क्या करनी चाहिए, भगवत भजन के लिए हमें समय देनी चाहिए, क्योंकि निश्वास नैव विश्वास कदारुद्ध भविष्यति। ये जो निश्वास में ना कोई विश्वास नहीं है, जैसे हमने निश्वास छोड़ा है, हम दूसरा बार निश्वास ले पाए तो बोल सकता है। अब निजी पेपर पढ़ कर देखो, रास्ता में चलते फिर एक्सीडेंट हो गए, कोई घर में बैठ बैठ कर हार्ट अटैक हो गया, मतलब कितने कितने तरह से लोग मरते हैं, कितने तरह से लोग मर जाते हैं। इसलिए लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ना, नहीं ये काम हमारी पूरी हो जाएगी ना, जब पूरी हो जाएगी तब तो पूरा एनर्जी देकर हम भजन करेंगे। तो बोलते हैं ना, ये काम हमारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर पूरी हो जाएगी तो पूरी फिर तो हम बढ़िया भजन करेंगे, और ये काम जब निपट जाएगा हमारी तब भजन करेंगे। मतलब अभी तो किसे काम निपटा है, खुद निपट जाते हैं करते करते जीवन, खुद ही निपट जाते हैं। काम अभी तक इसका निपटा है, बोलो। आप देखना 6 साल हो गए, आप देखना 2 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे हो जाते हैं, 6 साल हो गए, लेकिन देखना वो व्यक्ति 2 साल का प्लानिंग बनाकर बैठा है, हैं? इसलिए कहते भैया ये काम कभी निपटने वाले नहीं। अरे प्रहलाद महाराज तो बच्चों को इतने बढ़िया उपदेश देते, गजब के उपदेश प्रहलाद महाराज देते हैं। देखो हम केवल एक ही कोशिश करते हैं, दुख जाए सुख आए, दुख जाए सुख आए। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवत भक्ति को द्वारा जैसे तुम्हारी दुख जाएगी, वो भगवत भक्ति को द्वारा जैसे तुमको शांति मिलेगी, जगत में और कोई चीज है ही नहीं जो कि तुम्हें शांति सुख दे सकता है और दुख भाग सकता है, और कोई चीज नहीं है, केवल भगवत भक्ति से भजन से। देखो हनुमान जी को देखो, प्रमाण देखो हनुमान जी को, हनुमान क्या करते हैं, दिन भर राम की सेवा, राम का नाम ही तो कर रहे, अपना दुख तो गया दुनिया का, महावीर जब नाम सुना भी भूत पिशाच निकल, कहते भगवान की भक्त बन करके सारा दुनिया का दुख दूर कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद कहते भैया बच्चों भगवान की भक्ति से जैसे तुम्हारी सारी समस्या हल होगी, और किसी के द्वारा समस्या हल नहीं होने वाले नहीं। इसलिए क्या करो बच्चों, कौमार आचरित प्राज्ञम, जितने जल्दी जल्दी हो भगवान की भजन में लग जाओ। प्रहलाद कहते हैं जो दूसरा काम है ना उसको थोड़ी पीछे रख सकते हो, लेकिन भगवान की भजन को पीछे नहीं रखना कहते हैं, भगवान भक्त को पीछे मत रखो, भगवान की भजन को आगे रख करके चलो। क्योंकि जो दूसरी जो काम, मेरे जो गुरुदेव कहते थे कि जो संसार का जो काम है ना ये तुम्हारे लिए रिजर्व है, जिंदगी में क्या करते करते जिंदगी में आए बताओ, जिंदगी को तो यही करते करते आए, खाए पिए, जब दूसरे दूसरे जीवन मिला खाए पिए, 2-4 बच्चे दिए, उनको बड़ा करके मर गया, और क्या किया, इससे ज्यादा क्या किया तुमने, कहते ये चीज तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, करते करते तुम तो यही आए, और क्या किया तुमने जिंदगी में। इसलिए प्रहलाद कहते बच्चों लेकिन जितने जल्दी से जल्दी हो, कौमार आचरित प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है, एक कर्तव्य को अगर इसी जीवन में हमने, एक कर्तव्य को अगर अपना जीवन में हमने पालन कर लिया, समझो जन्म जन्मांतर का सारे कर्तव्य तुम्हारे खत्म। इसलिए कहते हैं देही नाम यह देही सुख अर्थ श्रेय आचरणम श्रद्धा, उस श्लोक में कहते हैं बच्चा प्राण अर्थ धिया बाचा श्रेयम एतावान जीवनम सफलम, कहते हैं अभी तक जितने जीवन गया मानव शरीर पाने से पहले, अभी तक जितने जीवन गया तुम्हारी, जितने जीवन चला गया, कितने जीवन हम भटकते भटकते आए, 84 लाख जो मैंने कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी कीड़े कभी मकोड़े, ऐसे भटकते भटकते आए। लेकिन यहाँ भागवत कहते एतावान जन्म सफल्यम, अभी तक जितने जीवन गया सारे जीवन तुम्हारी सफल हो जाएगी, सारे जीवन मतलब कैसे, प्राण अर्थ ध्या वाचा श्रेय आचरण, अगर इसी जीवन में काय मन वाक्य से अगर हम भगवान की भक्ति कर लिया, एक कर्तव्य पूरी कर लो, केवल एक ही कर्तव्य पूरी कर लो, ये जीवन में भगवान की भक्ति अगर एक कर्तव्य पूरी हो गई ना,
सारे कर्तव्य तुम्हारी खत्म। अगर जीवन में सारे कर्तव्य को बढ़िया से बढ़िया किया, शादी कर लिया, बच्चे कर लिया, दुकान वगैरह बना दिया, सब जिंदगी में सारे कर्तव्य तुमने कर दिया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया तो बस सब जीरो ही, सब तुम्हारी जीरो है। अंतिम समय में क्या जाएगा, यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य वाला गत्य है, सब कोई बात होगा, यही बोलते हुए। इसलिए यहाँ प्रभुपाद यही चीज को कह रहे हैं। प्रभुपाद बोले देखो, कहते आर एक तो समय नष्ट नहीं करके, समझ रहे बंगला, और थोड़ी भी समय नष्ट मत करो, जो गया गया, जो गया गया, अभी से क्या करो, थोड़ी सी समय को नष्ट नहीं करते हुए सतत भगवान के सेवा जन व्यस्त हो, हर समय हम भगवान की कैसे सेवा करेंगे, उसमें एकदम लग जाओ। प्रभुपाद कहते हैं, कहते सत्संग ही सेवा करते हवे, सब समय सत्संग थकले सेवा प्रवृत्ति बांटते ताकि। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारी ऐसी भावना कैसे जगेगा, ऐसे भावना कैसे जगेगा, कहते भक्तों का संग, अगर भक्तों का संग करोगे ना तभी ये भावना जगेगी। लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं कर दुनियादारी की सेवा करो, है क्या दिन भर माला लेकर बैठे किया भगवान भक्ति कर रहे हो, तो कोई काम धाम नहीं, चलो घूमने जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, हाँ हर समय क्या भगवान की भक्ति, भक्ति क्या, भक्ति में लग, इसमें क्या रखा हुआ है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए ना कितना कष्ट है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए एक घंटा में बोल्डर लो, एक घंटा में टूट जाएगी, लेकिन जो बनाए उसको देखो कितने कितने जीवन में कितने पैसा का इकट्ठे करते 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 सारा जीवन लग गया एक एक घर बनाने के लिए, लेकिन तोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगी। इसलिए कहते भक्ति का जो जीवन है ना, भक्ति की जीवन बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए चाहोगे ना एक घंटा में सब टूट जाएगी। कोई उल्टा पुल्टा व्यक्ति को पास में बैठ जाओ, हैं जो गंदे व्यक्ति को पास में बैठ जाए, क्या किलो गले में कंटी सब भजन कर रहे, बेकार जीवन है, भगवान जीवन दिया, भोग करो, है दुनिया देखो भगवान, इसलिए दुनियादारी देखो, क्या सब भगवान के पीछे तुम पड़ गए। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का संगत में पड़ जाओ ना, देख लेना बस इतना दिन से जो बनाया ना भक्ति का जीवन सब खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बोले सत्संग ही सेवा करता हवे, सत्संग में करना पड़ेगा सब समय सत्संग थाकिले सेवा वृत्ति बाढ़े, बोले भक्ति का भावना बढ़ेगी कैसे, जब तो हम भक्तों के साथ संग करेंगे तभी ये सेवा की वृत्ति तभी बढ़ेगी। इसलिए शंकर जी भी कहते हैं सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको वर पार्वती, ये जो सत्संग जीवन, शंकर स्वयं कहते हैं आप हमारी बात छोड़ दो, शंकर स्वयं के किसको, माता देवी को कह रहे हैं, हैं सतसंगति दुर्लभ संसारा पार्वती, सत्संग बड़ी दुर्लभ पार्वती, निमिष दंड भर एको बारा, जीवन में एक निमिष एक दंड अगर मिले तो पार्वती जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर स्वयं कहते पार्वती ये सत्संग के लिए मैं इतने कष्ट करता हूँ, कैलाश छोड़ करके मैं मरते जगत में अगस्त ऋषि को पास में आता हूँ, उनकी चरण में बैठ करके भगवान की राम कृष्ण की मैं कथा सुनूंगा। शंकर स्वयं जिसको घर घर में पूजा होती है, माँ पार्वती वैष्णवी है, दिन भर शंकर की कथा सुनाते हैं, माता पार्वती बैठ करके भगवान की कथा में रमे रहते हैं। जब शंकर पार्वती की शादी हो गई ना, जब शादी हो गई, अब सुने होंगे पूरा कथा कैसे सती ने शंकर जी के ऊपर विश्वास नहीं किया, कैसे माँ सीता को रावण उठा करके ले गया, हैं कथा में विश्वास नहीं किया, इसलिए उसको शरीर त्याग देना पड़ा। जब शरीर त्याग दी उसको बाद में फिर उन्होंने हिमालय की बेटी बन करके सती आई पार्वती बन करके, उन्होंने शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की, इतने तपस्या की बिना खाए पिए बेल पेड़ को नीचे बैठ करके बेल पत्ते को खा करके भजन किया, तब भी शंकर संतुष्ट नहीं हुए, लास्ट में उन्होंने बेल पत्ता भी छोड़ा, इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा, पर्ण मतलब होता है पत्ता, और उन्होंने पत्ता को भी, मात देवी ने पत्ता को भी छोड़ दिया शंकर जी को, जो कठोर तपस्या की। जब शंकर जी संतुष्ट होकर के दर्शन दिए, पहले तो बहुत उनको परीक्षा किया शंकर जी, उसको बहुत कष्ट के बाद में फिर शंकर जी शादी के लिए राजी हुए। जब शंकर पार्वती की शादी हो गई, तब रामायण पढ़ के देखना
जब शादी हो गई, शंकर जी पार्वती से प्रश्न कर रही है, बोले बताओ क्या चाह रही, तुमने मेरे को पाने के लिए इतने कष्ट क्यों किए। अगर कोई पति पत्नी से पूछे शादी के बाद में क्या चाहती, पत्नी क्या बोली, बोले चलो हनीमून बनाने जुदे से चलते, वही बोलेगा ना चलो हनीमून बनाने के लिए जाएगी घूमने के लिए, नहीं तो मेरे लिए सूट सलवार ले आ बढ़िया देख करके, हैं हमारे दिन तो ऐसे अलंकार, यही तो बोलेगी और क्या बोलेगी। लेकिन अब रामायण पढ़ कर देखो वो सती क्या, पार्वती क्या कहती है, बोले प्रभु मेरे को सत्संग सुनो, मेरे प्रभु की कथा मेरे को सुनो, क्योंकि मैंने एक गलती कर ली आपको पर मैंने विश्वास नहीं की है, जिस समय प्रभु राम हासित बोलते पागल हो रहे थे, और आश्रम में जा करके ना, विशेष करके वो आश्रम में जा करके जोर जोर से चीख चीख करके रो रहे थे, हासिते तुम कहाँ हो, हैं कहाँ हो आश्रम में जा करके। तब एक संत कह रहे थे, वो बोले आश्रम में क्यों जाकर चिल्ला रहे थे, भगवान ने राम विशेष करके आश्रम में जहाँ पर साधु संतों का आश्रम था ना, वहीं पर जोर जोर से जाकर के हासिते, बोले आश्रम में क्यों कर रहे थे। एक संत बोल रहे थे क्योंकि ब्रह्मचारियों का बुद्धि खराब हो गया था, ब्रह्मचारी लोग सोच रहे थे भैया गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय जीवन है, क्योंकि माँ सीता राम की सेवा करती थी, हैं उनको खाली रसोई बनाती थी, प्यार दबाया करती थी राम की सेवा, भाई ब्रह्मचारी लोग देख दे बुद्धि खराब, बोले भैया गृहस्थ जीवन तो बड़ा आनंद है, देखो ये माता सीता जी कितने सेवा कर रहे हैं प्रभु राम की, अगर हम गृहस्थ बनेंगे ना बड़े आनंद में रहेंगे, बड़े आनंद में रहेंगे। अरे ये सोच रहे हैं भाई हम कौन लड़की देगा, हम साधु संत ब्रह्मचारी को लड़की कौन देगा, हम शादी करेंगे हैं। फिर सोच रहे हैं, हमने सुना कि प्रभु राम कोई पत्थर था, अहल्या पत्थर, प्रभु राम के चरण स्पर्श होते ही वो पत्थर भी अहल्या बन गई, और अहल्या देखने में बहुत ही सुंदर थी, बोले प्रभु का चरण स्पर्श से पत्थर भी सुंदर स्त्री बन गई, इसलिए एक काम करेंगे जिसको गोरी स्त्री चाहिए ना, उसको गोरे गोरे पत्थर ले आएंगे, प्रभु राम की चरण स्पर्श कराएंगे तो गोरी स्त्री बन जाएगी, जिसको काली स्त्री चाहिए हम काली पत्थर ले आएंगे, चरण स्पर्श से काली स्त्री बन जाएगी, हाँ जिसको सवर्ण वर्ण की काली और गोरी नहीं बीच का चाहिए, और वैसे बीच का पत्थर ला करके राम की चरण स्पर्श कराएंगे, सुंदर लड़की बन जाएगी, ये सोच रहे थे ब्रह्मचारी लोग। लेकिन जब रावण ने सीता को उठाकर ले गया, प्रभु राम तो समझ गए जे मेरी गृहस्थ लीला को देख करके, देखो ये ब्रह्मचारी का बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो रहा है, हैं? इसलिए प्रभु राम ने जब सीता चली गई जोर जोर से रो रहे थे बिल्लक बिल्लक करके, ब्रह्मचारी लोग आग फाड़ फाड़ देख रहे, ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे बड़ा आनंद है, जब भगवान अपना बीबी को रक्षा नहीं कर पाया, ये जंगल में तो राक्षस लोग रहते हैं, पता नहीं हमारे बीबी को कब उठाकर ले जाएंगे, हैं बीबी को कब उठाकर ले जाएंगे, फिर तो हम ऐसे रोएंगे भैया हमको नहीं चाहिए, हमको घर गृहस्थ जीवन हमें नहीं चाहिए। फिर तो ब्रह्मचारी लोग फिर ये सावधान हो गई, ये ब्रह्मचारी लोग नहीं भैया दुखमय संसार है, ये संसार दुखमय संसार, इस संसार में कोई सुख नहीं है, इसलिए वो सबके सब वो सावधान हो गए। इसलिए वहां पर शंकर जी यहाँ पार्वती के जो बोले क्या सुनाना चाहते हो, क्या सुनना चाहते, बोले प्रभु हमें प्रभु की कथा सुनाओ, प्रभु राम की कथा सुनाओ, जैसे मेरे अज्ञान दूर हो जाए और मन को हमको शांति मिले, मन को शांति मिले, केवल आप भगवान की कथा सुनाओ। फिर शंकर जी दो बार फिर माता सती को कथा सुनाओ, इसलिए शंकर और पार्वती का ना दिन भर कोई काम धंधा नहीं है, ये दिन भर बैठ करके प्रभु की कथा में ही हमें रहते हैं, है प्रभु की कथा में ही रमे रहते, क्यों जानते हैं कथा में ही व्यथा दूर होगा, व्यथा दूर होगी कथा में ही व्यथा दूर होगा, और किसी में व्यथा दूर होने वाले नहीं, इसलिए शंकर पार्वत दिन भर प्रभु की भक्ति प्रभु की भजन और प्रभु की कथा में ही ये डूबे रहते हैं। और जब सती नहीं हो बात शंकर जी प्रभु की ध्यान में बैठ जाते, प्रभु की ध्यान में बैठ जाते हैं ठाकुर जी की, इसलिए सब समय सत्संग था अगले सेवा प्रवृत्ति बाढ़े है, कहते हर समय जब हम संतों का संग में रहेंगे अरे हमारी भक्ति की भावना तभी बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति भावना हमारी बढ़ेगी नहीं। भगवान शरणागत भक्त सकल वांछाएं पूर्ण करें एवं कहा कि कफन और प्रत्याख्यान करें, यहाँ पर कहते जो भगवान की चरण में
जो शरणागत भक्त है भगवान क्या करते हैं, उनको सारी इच्छा को ठाकुर जी पूर्ण कर देते हैं। जो शरणागत भक्त है ठाकुर जी उसकी सारी इच्छा को ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। यदि भगवान कभी भी भक्तों को प्रत्याख्यान नहीं करते हैं, लेकिन हम कभी कभी कहते ना हम ठाकुर को प्रार्थना किया ठाकुर सुनेंगे, और ठाकुर तब सुनेंगे शरणागति जब होगा तभी तो सुनेंगे ना। छह तरह का शरणागति है, दैन्य आत्मनिवेदन गोपित वरण अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्व। जब ये भावना होगी भक्ति के प्रतिकूल चीज को त्याग देंगे, अनुकूल चीज को ग्रहण करेंगे, भगवान को पूर्ण शरणागत होंगे, जरूर भगवान रक्षा करे पाल, जब होगा तभी तो सुनेंगे ना। हैं हम शरणागत तो हुए नहीं बोले भगवान सुनते नहीं, यार शरणागत हो जाओ तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे भक्तों का, भगवान सुना है रक्षा किया है, है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवान कभी भी ऐसे शरणागत भक्तों कभी प्रत्याख्यान नहीं करते। भगवान दूसरों को छोड़ सकते हैं लेकिन अपना भक्तों को ही भगवान छोड़ नहीं सकते। कृष्ण सही सत्य करे जय मागे भृत्य, इसलिए भृत्य जो प्रार्थना करते हैं भगवान उसको सत्य करते हैं। भगवान यहाँ तक भी ठाकुर जी अपना प्रतिज्ञा को त्याग देते हैं, भक्तों का प्रतिज्ञा को रक्षा करते हैं। भीष्म जी ने प्रतिज्ञा किया मैं भगवान को अस्त्र धारण कराऊंगा, भगवान ने प्रतिज्ञा किया मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। जहाँ पर स्वयं भगवान सत्य संकल्प है, एक बार कोई भगवान बोल दे भगवान वाक्य को कभी उल्लंघन हो सकता है, लेकिन भगवान अपना वाक्य को तोड़ देते हैं और भक्त का वाक्य को रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए कृष्ण सही सत्य करे, कृष्ण उसको सत्य करते जय मागे भृत्य, जो भृत्य चाहता है। आमादिक के आश्रय दिया रक्षा करार क्षमता एकमात्र भगवान रे आचे, एतद व्यतीत अपर कहार सही शक्ति नाई। यही विश्वास दृढ़ है ले हमारा निर्भय निश्चिंत सुखी और मंग सफल काम होते पाए। देखो प्रभुपाद बहुत अच्छी बात कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कब हम जीवन में निर्भय हो सकते हैं, जीवन में कब हमारा निश्चित हो सकता है, जीवन में कब हम सफल काम कब हो सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान आमादि के आश्रय दिया रक्षा कर क्षमता अच्छे, केवल भगवान में ही ये शक्ति है, भगवान जिसको अपना चरण में आश्रय देते है भगवान में शक्ति है रक्षा करने का। हमारे कोई शरणागत होगा हम खुद को खुद रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की रक्षा कर सकते, लेकिन रक्षा कौन कर सकता है, भगवान है। कृष्णा बंगला में कहते राखे हरि तब मारे के मारे हरि तो राखे की, हरि जिसको मारना चाहते कोई रक्षा नहीं कर सकता है, हरि जिसको रक्षा करना चाहते कोई मार नहीं सकता है। इसलिए कहते जाके राखे साइया मार सकना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। इसलिए प्रभुपाद कहते क्षमा तक मात्र भगवान में, कहते और किसको अंदर में ये शक्ति नहीं। अगर हमारी अंदर में अगर ये दृढ़ विश्वास हो जाए जरूर भगवान रक्षा करेंगे। रक्षा कर किया प्रहलाद को, रक्षा किया नहीं है, रक्षा किया है ना प्रहलाद को, रक्षा किया था ठाकुर, रक्षा हरिदास ठाकुर को पिटाई हो रही थी है, वो भगवान को पुकार रहे थे, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए, लेकिन भगवान लेकिन हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे प्रभु ये मूर्ख अज्ञान को अपराध को मत लेना, बोले जब भक्त इनके लिए प्रार्थना करता मैं क्या कर सकता, भगवान ने तो आलिंगन कर दिया, जितने पिटाई भगवान को पर। इसलिए महाप्रभु जब अष्ट प्रहर लीला कर रहे थे एक एक भक्त को बुला रहे थे, हाँ एक भक्त को बुलाया बोले याद है तेरे को, बोले क्या प्रभु जी, बोले एक समय उस समय था मुसलमान पीरियड, कभी कभी मुसलमान हिंदुओं को आक्रमण कर लेते थे, उनका बहु बेटी की इज्जत ले लेते थे, मुसलमानों ने रात में आक्रमण कर दिया हिंदुओं को पर। एक भक्त था तो देखा हमारी बेटी बहू का इज्जत चली जाएगी, उसने राता रात अपना बेटी बहू को लेकर घर से भाग गया, भाग करके बोले कैसे रक्षा करेंगे, तब उस समय गंगा थी वो एकदम रात को बीच में गंगा किनारे में पहुंच गए, भगवान से पुकारे हे प्रभु लगता है हमारी बेटी बहू की इज्जत चली जाएगी, अभी कैसे रक्षा करेंगे प्रभु रक्षा करो। इतने में भगवान स्वयं नाव लेकर रात बीच में भगवान नाव लेकर के आए, बोले तुम कहीं जाना चाह रहे हो, बोले आप कृपा करो हमारी ऊपर में मुसलमान आक्रमण कर दिया, बहू बेटी की इज्जत चली जाएगी, पार करा दो। भगवान उनको बैठाया गंगा पार कर, तो गंगा पार कर दिया। तो महाप्रभु अष्टप्रह लीला भक्तों को बुला रहे हैं एक एक करके, ये भक्तों का नंबर आया, भक्त को बुलाया, बुला करके बोले तुमको याद है, बोले क्या
बोले जब मुसलमानों ने आक्रमण किया और तुम घर छोड़कर भाग गया और गंगा किनारे में रात को बीच में तुम भगवान को पुकार रहा था, बचाओ प्रभु जी, तुमको याद है कोई व्यक्ति नाव लेकर गया था? हाँ प्रभु, नाव लेकर गया था, गंगा पार करा दिया। बोले कौन आया था? बोले मैं आया, महाप्रभु का तो मैं आया था गंगा पार। मैंने फिर तो महाप्रभु के चरण में लौट पर उठाने लगे, लौट पर उठाने लगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान में ही शक्ति है हमको रक्षा करने का, ठाकुर जी की शक्ति है, लेकिन कमी हमारी अंदर में, क्योंकि हम ऐसे शरणागत नहीं होते हैं, ऐसे शरणागत हम नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर हम ऐसे दृढ़ विश्वास अगर हो जाए ना, फिर तो हम निर्भय हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं और सुखी और जीवन में सफल काम भी हमारी हो सकती है। कहते मंगलमय कृष्ण मंगल दातृत्व परिपूर्ण विश्वास वाले हमारे मंगल निश्चय हो। प्रभुपाद अच्छी अच्छी बात कहते, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल आय। हम प्रभुपाद कहते हैं कहते मंगलमय कृष्ण ने मंगल दातृत्व परिपूर्ण विश्वास वाले भगवान कभी हमारे अमंगल कर ही नहीं सकते है। भगवान मंगल में है, वो कभी भी जीवन में हमारे अमंगल को ला ही नहीं सकते। अगर हमारे ऐसे दृढ़ विश्वास हो जाए जरूर भगवान हमारे मंगल करेंगे, अगर विश्वास हो जाए ना तो तुम्हारी जरूर निश्चित रूप में तुम्हारी मंगल हो रहा ही। लेकिन भगवत पद में पूर्ण शरणागत होले जे की महामंगल है ता भाषा भक्त कर जाए ना। देखो प्रभुपाद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब हम भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाते हैं, ठाकुर जी के चरण में जब हम संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाते हैं, कहते उसमें ये सचमुच से कितने मंगल होता है, हैं? कितने मंगल उसमें होता है कि जिसको भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब हम भगवान के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत हो जाएंगे हैं? उसको व्यक्त हम कर ही नहीं सकते। जीवन में सचमुच से कितने जीवन में आनंद, कितने शांति और जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं आत्म निवेदन द्वापद करी हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेल चिंता न रहिल चौधरी के आनंद। कहते प्रभु आपके चरण में हमने आत्मसमर्पण के हम सुखी सुखी हो, क्योंकि आपके चरण में अशोक अभय अमृत तुम्हारी चरण में है। जब तुम्हारे चरण में हम शरणागत हो गए चौधरी के आनंद, चारित्र में आनंद ही आनंद, चारी तरफ हमें आनंद ही आनंद है, चारी तरफ कोई दुख नहीं, क्यों? ठाकुर का शरण में हम हो गए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है वास्तव रूप में क्या आनंद है, कहते भाषा में उसको कभी व्यक्त हम कर ही नहीं सकते। लेकिन कमी किसका है? कमी हमारी, कमी भगवान की नहीं, सारे कमी हमारी। ठीक है, पिताई गौर ब्रह्मानंद पंचाकुलपतिर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च तत्तानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम 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 हरि गौर ब्रह्मानंद जय 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 जय